हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट प्राइमरी लेवल के एग्जाम का। देखिए, थोड़ा देर से मुझे पेपर मिला है बट मैंने पूरी आंसर की इसमें लगभग पूरी कर दी है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि पूरी अपकमिंग वीडियो और पूरी आंसर की आपको मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो मैंने डिस्कस किया आपकी मैथ्स की और जीएस की पूरी आंसर की, और अभी इस वीडियो को खत्म होने के बाद आपको जो बाल विकास और सारी चीजें जो बची है उसका पूरी आंसर की मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये मैथ वाला पेपर है। मैथ देख लेंगे, जीएस देख लेंगे पूरा। मैथ के थोड़ा तेजी से मैं बताऊंगा, पूरी आंसर डिस्कस करूंगा और कुछ डिस्कस नहीं करना है। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा उसको। देखिए, 91 मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जो सेट मिला हुआ है। तो आयताकार खेत का 17 मीटर ये जो विकर्ण है इसका आंसर आपका 120 हो जाएगा। नेक्स्ट 92 का ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। 93 का जो दे रखा है उसका केवल 2 होगा, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। इसमें कथन में क्या पूछा है बोला है, सही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, क्योंकि छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होती, तो इसमें सारे ये सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 का, बबूज के अंदर 360 बाई एन होता है इसका आंसर, इसे देख लीजिएगा। एक 95 का असंख्य हो जाएगा, 96 का ए वाला पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा है जेड का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका 7 आंसर हो जाएगा। 98 वाला आंसर जो होगा इसमें 81/40 हो जाएगा। 99 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि सबका क्यूब है। नेक्स्ट वो जो है 100 का जो 2 वाला आंसर हो जाएगा। 101 का 37.5 आंसर हो जाएगा। देखिए, 102 गोला किया हुआ है, तो इसका मतलब ये आंसर अभी कंफर्म आया नहीं है। कमेंट बॉक्स में मैं टाइप करके बता दूंगा अभी इसका आंसर। फिलहाल जल्दी मैंने कोशिश की है, एक बार में निकला नहीं तो फिर बता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 2 ही आना चाहिए, दूसरा वाला आंसर सही होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 103, ये 2018 में अमित का वेतन, तो ये हो जाएगा आपका 1,00,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन का आंसर 54 हो जाएगा। 105 वाला आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा 27 तारीख को। नेक्स्ट है आपका ए प्लस बी बाई सी वाला, इसका आंसर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 107, तो इसमें आप बारी बारी से रखकर भी चेक कर सकते हैं, तो 4 आंसर इसका होगा सर। 108 का जो आंसर हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यहाँ से देख लेते हैं, सरल कीजिए वाले -5 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। और 110 का आंसर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट 111 का आंसर 24.4 आ जाएगा आंसर। 112 वाले आंसर में थोड़ी कुछ एरर दिखाई पड़ रही, क्योंकि इसमें जो वर्ग का टाइल्स निकालनी है, न्यूनतम संख्या निकालनी, उसका कुछ तो देना चाहिए था। लेकिन अभी देखते हैं, अगर आंसर ऐसे आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेंशन कर देंगे। 113 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, मतलब दूसरा हो जाएगा, 7 आ जाएगा आंसर। 114 का आंसर आ जाएगा आपका 5/8 आ जाएगा। 115 जो आ जाएगा 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। 5240 और 97128 ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए, प्रिज्म के फलक वाला, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से जो रियल प्रिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग 8 आना चाहिए। नेक्स्ट 117 का 6% आ जाएगा। 118 का ए और बी आएगा। 119 का जो आंसर हो जाएगा वो ए बी होगा, ठीक है, इन दोनों का भी होगा। 120 का जो आंसर हो जाएगा वो 5/36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से 1850 में भारत की पहली ट्रेन थी, सबको पता होगा, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो आपका सोनपुर में है, ठीक है, बिहार में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। देश में लचीला संविधान किस देश का है, तो भारत का। सबसे ज़्यादा रेंडियर कहाँ पर आ जाता है, तो ये आपका टुंड्रा हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा इसको पूरा। ये हो जाएगा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो ये आपका प्रेरिज नहीं, कंपास होगा। जनसंख्या के अनुसार एशिया महाद्वीप हो जाएगा। भारत में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में हो जाएगा। भिलाई संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण व्यवस्था है वो पंचायती राज में है। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष हो जाएगा। देखिए, पूरा मतलब पूरी कोशिश की है हमने कि एकदम करेक्ट आपको जवाब दें, और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। बहुत सारे लोग गलत बता रहे हैं, तो जिसमें डाउट होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। 133 का आंसर दूसरा हो जाएगा। भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, नगर निगम का मेयर, ग्राम पंचायत का सरपंच। एंड 356 का सबसे पहले यूज अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पंजाब में ही हुआ था, लेकिन अगर इन सब में छांटना हो तो मेरे हिसाब से केरल होगा, देख लीजिएगा एक बार आप। अगर कुछ सीरियर होती है तो बताएंगे। नगर निगम या गृहकर हो जाएगा। संसार का समस्या कर जल खपत, बंगाल का आतंक ये जलकुंभी है, इसका साइंटिफिक नेम भी दे रखा था। वायरस के अजैविक होने का लक्ष्य, ये प्रजनन नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देख लेते हैं, पादप हार्मोन फल पकाने के लिए एथिलीन होता है, इथाइलिन लिख के दी है। स्वतंत्र रूप से यह नाइट्रोजन फिक्सेशन एजोटोबैक्टर होता है, ठीक है।
देखिए 140 का आंसर कंफर्म नहीं है, इन्होंने जेड डीएनए मारा है, तो मैं इसको बताऊंगा बाद में आपको। और 141 भी उसी में सम्मिलित कर लीजिए। प्रोटीन अणुओं की इकाई जो हो जाएगी अमीनो अम्ल हो जाएगी, ये सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी, एकीकृत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ से देख लेते हैं, यही से आपका खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सारस क्रैन हो जाएगा, पूर्व ग्रामीण को हो जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो होगा, एलिफेंटा मुंबई तट हो जाएगा। देखिए ए 149 में 50 से 150 के बीच में होगा, कई जगह 125, कई जगह 78, 80 ऐसे कुछ करके दे रखा है। कार्बी एगलोंग पठार जो है वो आपका नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न में पाया जाता है, तो वहाँ पर हिमालय तिब्बत दोनों हो सकता है। देखिए आयोग क्या आंसर देती है। तो चलिए ये तो पूरे इन दोनों के, तो आगे जो भी अभी मैंने लगभग पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, लेकिन कुछ कुछ इरर है, तो मैं चाहता हूँ विदाउट एरर के आपको आंसर की प्रोवाइड करूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।